अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा होगा। रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस रमज़ान में अपने घर पे होंगे, घर वालों के साथ सेफ़ होंगे। जहाँ पे भी हैं आप, स्टे होम, स्टे सेफ़, और अपने आप को सेफ़ रखें, अपने घर वालों को सेफ़ रखें। सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूर फॉलो करें अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। एंड कीप एवरीवन इन योर प्रेयर्स एज़ वेल। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, ईद के हवाले से। एक कार्ड की वीडियो है ये। इसमें मैं आपको ईद के लिए एक सिंपल सादा सा, बिल्कुल इजी सा कार्ड बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप बना सकते हैं और सबको दे सकते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए इतने कार्ड बाय किया करते थे बाज़ार से। अब तो बहुत ये ट्रेंड कम हो गया। अब यानी मोबाइल पे ही सब एक दूसरे को कार्ड भेज देते हैं और विश कर देते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलें एक माइनर सी छोटी सी वीडियो बना के आपको बता दूं कि किस तरह से इवन ये बच्चे भी बना सकते हैं कार्ड। बहुत सिंपल सा है, सादा सा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एज वेल। अब ये मैंने एक मस्जिद का बना लिया था सैम्पल सा। अब मैं इसको ब्लैक पेपर पे ही ट्रेस कर लूँगी। आप कोई भी मस्जिद का सैम्पल, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब हम सब कुछ जो अपने कार्ड है उस पर पेस्ट करेंगे, जो हमने मस्जिद बनाई है वो भी, और ये जो ब्लैक टू स्ट्रिप्स हैं ये भी हम अपने कार्ड पर पेस्ट करेंगे। तो चलें अपनी पेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। Thank you.
अब यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई, मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लग गया था और मेरे से मुबारक का जो सा है स्पेलिंग रॉन्ग हो गया मेरे से, मैं एक ए मुबारक का मिस कर गई। चले कोई बात नहीं, खैर एक गलती जो सी है उसकी माफ़ी होती है। चलें जी, अब हमारा कार्ड रेडी हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर ये कार्ड बनाएंगे और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स या अपने मॉम एंड डैड को इवन देंगे। ओके, नाउ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।